हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं मोटो व्लॉगिंग सेटअप। मेरा बहुत टाइम से मन था कि मैं मोटो व्लॉगिंग शुरू करूं, लेकिन गोप्रो लेने के बाद मेरे पास मीडिया मोड नहीं आया था, एंड मीडिया मोड आने के बाद मुझे एक माइक परचेज करना था, जो कि मैंने परचेज करा है कोडाक का M11 लैवेलियर माइक्रोफोन। अभी इसको सेटअप करते हैं एंड देखते हैं कि इसकी ऑडियो क्वालिटी कैसी है, एंड एक टेस्ट राइड भी लेते हैं एंड चेक करते हैं कि बाहर इसकी क्वालिटी कैसी आती है। मेरे बहुत सारे रिव्यूज देखे थे बोया और इस वाले कोडाक का M11 माइक के, लेकिन मुझे लगता है ये सबसे सही माइक रहेगा। तो मोटो व्लॉगिंग सेटअप के लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा? GoPro हीरो 8 के लिए आपको ऑब्वियसली एक हेलमेट चाहिए होगा। सबसे पहले आपको बेस लगाना पड़ेगा अपने हेलमेट पे। मैंने इसका बेस लगा रखा है MCL से, थोड़ा क्लीनली लगा रखा है एंड बेस अटैच कर रखा है अपने चेन पे। उसके बाद हमें चाहिए होगा एक जे माउंट और उसका स्क्रू, साथ ही साथ हमें चाहिए होगा एक GoPro हीरो 8 ब्लैक और उसका मीडियम मोड। इसके सारे पिछले मॉडल्स में एक अलग से अटैचमेंट लेनी पड़ती थी, लेकिन इस वाले मॉडल में स्पेसिफिकली आप एक GoPro का मीडियम मोड ले सकते हैं। इसमें मिलता है आपको 3.5mm का जैक, जिसमें आप अपना लैवलियर माइक अटैच कर सकते हैं और मोटो व्लॉगिंग कर सकते हैं। अगर आपको मीडियम मोड की अनबॉक्सिंग देखनी है तो आप दूसरी वीडियो देख सकते हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आई बटन में भी। एंड अभी मैं लेके आया हूँ फिलहाल कोडाक का M11 लैवलियर माइक। चलो इसकी क्विकली अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या क्या आता है। यह है कोडाक का पाउच जिसको खोलेंगे। हमें इस पैक के अंदर मिलता है एक माइक्रोफोन, जिसके अंदर हमें 6 मीटर की केबल भी अटैच्ड मिलती है। उसके साथ हमें मिलते हैं जैक्स अटैच करने के लिए, जैसे कि ये 2 लाइनिंग वाला, ये 3 लाइनिंग वाला भी हमें एक्सटर्नल मिलता है, जस्ट इन केस आपके दूसरे कैमरास कौन से जैक के साथ कंपैटिबल हो, इस चीज के लिए कोडाक ये सब ऑफर भी करता है हमें। साथ ही साथ इसके साथ क्या मिलता है, हमें डेड कैट भी मिलती है विंड डिटेक्शन के लिए। डेड कैट काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है मोटो ब्लॉगिंग के लिए, क्योंकि विंड रिडक्शन हमें बहुत नेसेसरी हो जाती है जब हम हाई स्पीड्स में होते हैं एंड क्लियर वॉइस के लिए। तो चलो मोटो व्लॉगिंग सेटअप करते हैं पूरा। ठीक है, सबसे पहले हमें जे माउंट अटैच करना पड़ेगा। जे माउंट के बाद हम इसका माइक सेटअप करते हैं अंदर की तरफ। माइक सेटअप करने से पहले मैं इसका मफलर उतार दूंगा ताकि इसके अंदर डेड कैट अटैच कर सकूं। अब जैसे कि देख रहे हो आप, डेड कैट अटैच हो चुकी है इस पे एंड ये हमारी ब्लॉक करेगा विंड नॉइस को। चलो अब अटैच करते हैं इसको अपने हेलमेट के अंदर। मेरे हेलमेट के अंदर एक डेडिकेटेड जगह है माइक्रोफोन के लिए, आपके में हो ना हो लेकिन आप टेपिंग कर सकते हैं, मेरे में डेडिकेटेड जगह थी तो हम अटैच करते हैं इसको। इसकी वायर काफ़ी लंबी है तो मैं रिकमेंड करूँगा इसको टाई कर लेना, अगर ऐसे अटैचमेंट के लिए बैंड आता है तो आप इससे कर लेना, वरना आप रबर बैंड अटैच कर सकते हैं। तो मैंने माइक अटैच कर दिया है सब कुछ, मैंने अंदर फेस मास्क भी पहन रखा है हेलमेट के अंदर। आई एम नॉट श्योर हाउ द ऑडियो इज कमिंग आउट राइट नाउ, बट वी विल ऑल्सो चेक आउट, वी विल गो डाउनस्टेयर्स स्टार्ट अ बाइक, हम रिफ्यूलिंग ले जाएंगे एंड देखते हैं इसकी आवाज़ कैसी आती है। आई होप सही हो और मोटो व्लॉगिंग हम शुरू कर सके। तो अब आ चुके हैं हम बाइक पे, मेरा भी वाइजर अप है एंड इसकी रिकॉर्डिंग देखते हैं कि कैसी है, रिकॉर्डिंग हो रही है। आई होप जो डेड कैट लगाई है हमने उसकी वजह से क्लियर आवाज़ आ रही है माइक में। अब करते हैं वाइजर डाउन और चेक करते हैं आवाज़ कैसी आ रही है। ये हो गया वाइजर डाउन हमारा एंड आई होप हमारी आवाज़ काफ़ी क्लियर हो ताकि हम मोटर ब्लॉगिंग शुरू कर सकें अपने चैनल के लिए। तो आप मेरी आवाज़ प्रॉपर्ली सुन पा रहे होगे? चलो चलते थोड़ी रिफ्यूलिंग कराने, इस बार हमारी टेस्ट राइड भी हो जाएगी एंड आप लोगों को पता भी चल जाएगा कि ये मीडियम मोड एंड ये कोडाक का माइक कैसा काम करता है इसके साथ मोटो व्लॉगिंग सेटअप पे। बाइक की आवाज़ भी चेक कर लो। काफ़ी मुश्किल हो गया था मुझे माइक अटैच करना है इसमें, क्योंकि इसकी वायर काफ़ी लंबी थी, लेकिन जैसे ही अटैच हो चुका है अब ये थोड़ा अनकम्फर्टेबल कहीं से नहीं है, कंफर्टेबल है क्योंकि मैंने इसको अच्छी तरह फिक्स कर दिया था अपने हेलमेट में। बहुत इजी है मोटो व्लॉगिंग सेटअप करना, इट्स नॉट वेरी हार्ड एंड इसके वजह से आप लोग भी मोटो व्लॉग स्टार्ट कर सकते हैं जैसे मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना जिसको भी ज़रूरत हो इस वीडियो की। टिल देन गुड बाय, सी यू एंड टेक केयर। Thank you.